मेरा नाम खलील अहमद है, मैं राजस्थान अजमेर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सऊदी में 4 साल से फंसा हुआ हूँ। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी, मेरी यहाँ हेल्प करिए प्लीज, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे अपने बर्तन अपने घर वापस भिजवाइए। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम खलील अहमद है, मैं राजस्थान अजमेर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सऊदी में 4 साल से फंसा हुआ हूँ, मेरी यहाँ कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास यहाँ ना तो रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए कुछ है, मैं दर दर की ठोकरें खा खा के यहाँ घूम रहा हूँ। मैं एम्बेसी भी गया था लेकिन वहाँ भी कोई हेल्प नहीं हुई मुझे। मैं हर जगह गया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरी यहाँ हेल्प करिए प्लीज, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे अपने बर्तन अपने घर वापस भिजवाइए। मैं रोशन रतौड़ी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई साहब प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी कोई हेल्प नहीं हुई तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूंगा। उसकी जिम्मेदारी सारी भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी की होगी। मुझे प्लीज यहाँ से निकालिए भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी हेल्प करिए, मेरी मदद करिए। मैं हर जगह जाके आया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्लीज भाई साहब मेरी हेल्प करिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम खलील अहमद है, मैं राजस्थान अजमेर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सऊदी में 4 साल से फंसा हुआ हूँ, मेरी यहाँ कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास यहाँ ना तो रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए कुछ है, मैं दर दर की ठोकरें खा खा के यहाँ घूम रहा हूँ। मैं एम्बेसी भी गया था लेकिन वहाँ भी कोई हेल्प नहीं हुई मुझे। मैं हर जगह गया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरी यहाँ हेल्प करिए प्लीज, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे अपने बर्तन अपने घर वापस भिजवाइए। मैं रोशन रतौड़ी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई साहब प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी कोई हेल्प नहीं हुई तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूंगा। उसकी जिम्मेदारी सारी भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी की होगी। मुझे प्लीज यहाँ से निकालिए भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी हेल्प करिए, मेरी मदद करिए। मैं हर जगह जाके आया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्लीज भाई साहब मेरी हेल्प करिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। धन्यवाद भाई साहब।